तो गाइस ये कौन सा मर्सिडीज का गाड़ी आप बिल्कुल कमेंट करके बताएं। तो गाइस ये आ गया बैंगलोर का ब्रिगेड रोड, बस बारिश ना हो जाए और बाकी सब चिल है गाइस। तो गाइस आगे जा रहा है ये एमजी हेक्टर का इलेक्ट्रिक कॉमेट। तो गाइस लेग चेक कर लो, वाव, इस व्यू के लिए तो लाइक बनता है गाइस। देख सकते इट्स लाइक क्रिस्टल क्लियर। So hi guys and welcome back to my channel. Hope you guys are doing all great and all fine. तो गाइज आज आप लोगों ने थंबनेल से पता चल गया कि एक अच्छे से एक व्यू पॉइंट में जा रहा हूँ जो है वतदा होसाली लेक, अब आई एम प्रोनाउंसिंग राइट। तो काफ़ी सुना है गाइज उस लेक के बारे में और काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा रेटिंग दिया है। तो ये मेरा भी पहले बार होगा उधर जाना, तो एक छोटा सा राइड होगा गाइज, बाइक राइड। तो मोस्ट प्रोबेबली आने जाने का टू एंड फ्रो मान लो 3 या 4 घंटे का ट्रिप होगा। काफ़ी एक्साइटेड हो गाइज, अब देख सकते हैं आज तो पूरा राइडिंग जैकेट पहन लिया मैंने। तो खरीदने के बाद मतलब गिफ्ट मिलने के बाद ये पहली बार होगा जब मैं अच्छा सा थोड़ा सा लॉन्ग ट्रिप कर रहा हूँ ये राइडिंग जैकेट पहन के। तो लेट्स सी क्या रेस्पॉन्स होगा। तो गाइज वीडियो को एंड तक देखिए और बिल्कुल लाइक एंड शेयर करिए गाइज। तो मिलते हैं गाइज गोप्रो में और ट्राई करूँगा अच्छे से एंटरटेन करने के लिए आप लोगों को और अच्छे से ब्लॉग करने के लिए। तो बाय गाइज। तो गाइज ये वाला हेलमेट मैं ले जा रहा हूँ और कुछ हेलमेट का सेटअप देख सकते हैं। तो गाइज फर्स्ट स्टार्ट ऑफ द डे। सो गाइज वतदा होसाली लेक इज अराउंड 2 hours 11 minutes एंड कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो गाइस फिलहाल रोड ट्रिप चालू हो चुका है और अभी पहला चीज़ जो है गाइस फिलअप कर लेते हैं। मैं फिलअप करने के बाद चाय पीने का भी इरादा है, तो अच्छा हुआ मैंने राइडिंग जैकेट वगैरह पहन ली, नहीं तो अभी सुबह सुबह बहुत ही ठंडी होती है बैंगलोर में। तो गाइस कैमरा का एंगल थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ, होप सो एंगल अच्छा आ रहा होगा। ये देख सकते गाइस 2 hours 6 minutes, सो काफ़ी एक्साइटेड। सो गाइस इधर से धीरे धीरे हम लोगों को हाईवे मिल जाएगा, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। अच्छा रोड में चलाने के लिए बहुत दिन से मन था। बाइक का क्लच भी थोड़ा तो हार्ड लग रहा है गाइस, आइडल रखो तो हार्ड है, चलाते समय स्मूथ हो जाते हैं। एंड वैसे गाइस मैं अकेला नहीं जा रहा, मेरा दोस्त भी आगे जा रहा है, तो मैंने मैप तो लगाया लेकिन मैं ज़्यादातर उसका ही पीछा कर रहा हूँ। तो गाइस ये कौन सा मर्सिडीज का गाड़ी आप बिल्कुल कमेंट करके बताएं। मुझे लग रहा है ये इलेक्ट्रिक है, CQS 580, काफ़ी अच्छा है। तो गाइस ये आ गया बैंगलोर का ब्रिगेड रोड, काफ़ी कलरफुल सा लगता है इधर। तो गाइस ये बैंगलोर का वन ऑफ द फेमस पार्क है देख सकते हैं। तो गाइस ये वाला रोड जो है एयरपोर्ट रोड है, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि घर जा रहा हूँ क्योंकि हमेशा घर जाते समय यही रोड लेते हैं क्योंकि एक ही रोड है एयरपोर्ट के लिए। एंड गाइस दिस इज़ बैंगलोर गोल्फ कोर्स, तो काफ़ी बड़ा एरिया है, मेरे भी एक बकेट लिस्ट तो है गाइस उधर जाके एक बार एक्सपीरियंस करना। तो गाइस आगे भी एक राइडर जा रहा है ट्रायम चला के और पूरा लगेज वगेज कैरी करके। तो गाइस राइड पे काफ़ी मज़ा आ रहा है और आज दिन देख सकते हैं गाइस, धूप ही नहीं है, बस बारिश ना हो जाए और बाकी सब चिल है गाइस। तो गाइस फिलहाल एयरपोर्ट रोड पहुँच गया और रात के समय ये जो लाइट्स लगाए हुए काफ़ी अच्छा लगता है। तो गाइस रोड अच्छा है गाइस, लेकिन इतना भी नहीं भगा रहा हूँ, मतलब धीरे धीरे 60 to 70 स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ, मतलब रेस्पॉन्सिबली चलाना है आराम आराम राइड को एंजॉय करके। तो गाइस उस तरह वेदर देख सकते हैं, काला काला सा बादल छा गया और साइड में चल रहा है BMW। मोस्ट प्रोबेबली आप लोग भी इंजॉय कर रहा होगा गाइस, तो बिल्कुल अगर आप अभी तक देख रहे हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर। और हम लोग का डेस्टिनेशन है 1 hour 24 minutes मोर। तो गाइस आगे जा रहा है ये MG हेक्टर का इलेक्ट्रिक कॉमेट, भले ही छोटा दिखता है गाइस लेकिन उसका प्राइस जो है करीबन 9 to 10 lakhs है, सो इट्स क्वाइट अमेजिंग। तो गाइस अभी भी टाइम तो है 1 hour 21 minutes, लेकिन क्या ही बताओ गाइस इतना मज़ा आ रहा है ना राइड पे कि ये डेस्टिनेशन ख़त्म ही ना हो। विंड ब्लास्ट बहुत हो रहा है
तो होप तो ऑडियो में इतना कैप्चर ना हो। यह बस ने मेरा विजिबिलिटी ख़राब कर दिया है आगे का। Porsche. तो गाइस अभी फ़िलहाल चाय पियेंगे और ये वाला रेस्टोरेंट में आए हैं। तो फिलहाल आ गया गाइस ब्रेकफास्ट। इधर इडली है, खिचड़ी शायद, कुछ मैसूर बन और मेरा पूरी आने वाला है। तो ये आ गया मेरा पूरी। अभी फ़िलहाल 1 घंटे 170 मिनट्स दिखा रहा है। राइट, दोबारा चालू करते हैं गाइस। तो गाइस फिलहाल धूप आ चुका है और आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, क्योंकि बारिश नहीं चाहिए यार इस राइड पे। तो गाइस कुछ ऐसा जगह में पहुंच गया है, अभी भी 57 मिनट्स बाकी है। तो गाइस घर चेक करो इधर। अरे यार ये आ गया। तो देख सकते हैं गाइस इधर घर चेक कर सकते हैं। बिल्कुल पहाड़ों के बीच, काफ़ी अच्छा होगा यार इधर रहने के लिए। और नज़ारा देख सकते हैं गाइस काफ़ी अच्छा है। 50-60 से ज़्यादा किलोमीटर्स तो चला चुके हैं और अब बस एक ही स्टिक जो है कम हुआ है, तो इससे पता चलता है माइलेज कितना बेहतर है NS200 का। गाइस दोबारा व्यू चेक कर लो, क्या ही नज़ारा है गाइस, क्या ही नज़ारा, काफ़ी मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। तो गाइस कुछ ऐसा जगह में पहुँच गए और फिलहाल 24 मिनट्स अभी भी बाकी है, तो नज़ारा काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रिफ्रेशिंग है। तो गाइस लेक चेक कर लो, कितना बड़ा लेक है। लेकिन फिलहाल हम लोग का डेस्टिनेशन इससे भी आगे है, लेकिन इसका व्यू भी काफ़ी अच्छा है। तो गाइस व्यू चेक कर लो, क्या ही नज़ारा है। तो गाइस फिलहाल बारिश चालू और जगह एक देख के रोकना होगा हम लोगों को। तो गाइस फिलहाल बारिश रुक चुकी है और सही टाइम पे एक शेल्टर मिल गया था हम लोगों को। फिलहाल ये टाउन है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कौन सा टाउन है, अगर आप लोगों को पता है तो बिल्कुल कमेंट करिए। एंड 12 मिनट्स अभी बाकी है फिलहाल और धूप आ चुकी है, सो फीलिंग ग्रेट। तो गाइस जैसे जैसे डेस्टिनेशन पहुंचते जा रहे हैं वैसे वैसे व्यूज़ जो है गाइस काफ़ी अमेजिंग होते जा रहे हैं, देख सकते हैं व्हाट अ व्यू। तो अगर आपको सिटी लाइफ से बाहर आना है गाइस तो ये जगह बहुत ही सही है, बस 2 घंटे का फ़र्क है बेंगलोर मेन टाउन से, और देख सकते हैं नज़ारा कुछ ऐसा मिलेगा आपको, वाह। व्यू देख लो गाइस, इस व्यू के लिए तो लाइक बनता है गाइस और सब्सक्राइब बनता ही है। तो गाइस फैसिलिटीज इतना नहीं है इस वाले एरिया में, लेकिन रोड देख सकते गाइस, रोड आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा है कितना मस्त है, दिस वन ऑफ द बेस्ट थिंग। एंड मुझे लगता है बहुत लोगों को इस जगह के बारे में पता नहीं है, तो इतना भीड़ नहीं है इधर, मतलब इतना आप लोगों को आसपास में इतना नज़र नहीं आएंगे गाड़ी वगैरह या ऑटोमोबाइल्स। लेकिन मुझे लगता है इस वाले जगहों को ऐसा ही रहना चाहिए, भीड़ नहीं होना चाहिए। वी शुड बी कैप्ट सिक्लूडेड फ्रॉम द सिटी लाइफ सो दैट वी कैन एंजॉय दिस प्लेस। तो गाइस फाइनली पहुंच गए और नज़ारा कुछ ऐसा है, मस्त मस्त रील्स बनाएंगे इधर। लोग पानी में बाइक डाल लिया अंदर धोने के लिए, मैं इधर पार्क कर देता हूँ मेरा बाइक, पानी तो साफ ही है। तो
लेकिन सबसे मस्त व्यू गाइस वो उस तरफ देख सकते हैं। होप सो गोप्रो में कैप्चर हो रहा है अच्छे से, एंड स्काई भी काफ़ी अच्छा है और बारिश अभी रुक चुके तो धूप का ब्लेसिंग्स पड़ते हुए इतना अच्छा लग रहा है ना अभी। और मुझे लगा गाइस कि पानी वगैरह जो है गंदा होगा, लेकिन देख सकते हैं इट्स लाइक क्रिस्टल क्लियर सी, अंदर के जो भी पत्थर वगैरह है वो आपको साफ नज़र आ रहा है। मोस्ट प्रोबली गहरा होगा उस तरफ और कुछ एक्टिविटीज़ इधर आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जगह काफ़ी अच्छा है एंड इट शुड बी केप्ट लाइक दिस रो। और मेरा बाइक उधर पार्क करके रखा हुआ है गाइस, व्हाट अ व्यू। This is the 360 view of this place and GoPro में wide angle में थोड़ा तो साफ दिख रहा होगा। तो guys मैं आया हूँ बताता हसाली लेक और hope so I'm pronouncing right, and देख सकते हैं कुछ ऐसा है जगह, स्पेशली ये वाला माउंटेन टॉप guys काफ़ी सुंदर लग रहा है और बहुत सारे लोग आए हुए देख सकते हैं, वो लवली पिकनिक एंड जस्ट फार फ्रॉम द सिटी लाइफ थोड़ा फ्रेश एयर एंड रिलैक्स करने आता है इधर लोग, एंड काफ़ी अच्छा नज़र है गाइस। तो गाइस फिलहाल घर की तरफ चलते और इस प्लेस को बाय बाय बोल के बाय बाय करते हुए, वाह काफ़ी अच्छा लगा है escape from the city and it's a very good place to chill, so I will really recommend, and road to must have guys, Manches road the destination is amazing as well as the roads, so you can really come here and enjoy this wonderful view. तो गाइस वीडियो को मैं इधर ही एंड कर रहा हूँ, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो और व्यू देख सकते हैं गाइस कितना अच्छा ये व्यू, के लिए तो लाइक और शेयर बनता है गाइस एंड सब्सक्राइब, तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, आप लोगों के लिए इतना दूर आया गाइस ताकि मैं भी इंजॉय कर सकूँ और आप लोगों को भी अच्छा सा व्यू दिखा सकूँ गाइस। फिलहाल मैंने तो काफ़ी इंजॉय किया है बाइक राइड एंड माय गॉड मैन इट वाज अ गुड राइड टुडे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो गाइस एंड Make sure you subscribe. God bless. Bye bye guys. Bye bye. So guys, when I meant city life, this is what I mean. Bangalore pahunchte hi traffic. Filhal ghar pahunchne wala hai. So happy. Yeah. Bye bye.